हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज है सैटरडे और आज मेरे बच्चों का था लास्ट वर्किंग डे। तो प्रतीक स्कूल गया था मेरा बेटा, तो वो आ गया है 12 बजे तक, घर पे आ गया है क्योंकि हाफ डे था आज और लास्ट वर्किंग डे है। तो छुट्टी भी होती है पर छुट्टी नहीं थी, हाफ डे कर दिया था। और मीनाक्षी की छुट्टी थी, मेरी बेटी मानवी की छुट्टी थी और उसकी थी आज पेरेंट्स मीटिंग। तो आज मैं अभी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी अपनी बेटी के, तो वहीं से आई हूँ और अभी काम मेरा पड़ा हुआ घर का। तो वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैंने यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है और आज पेरेंट्स मीटिंग थी, वैसे स्कूल की छुट्टी थी तो बस थोड़ी देर के लिए मैं गई थी पेरेंट्स मीटिंग में और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। अपने घर के जो भी काम होते हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि सुबह सुबह जाना होता है ना स्कूल में, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा रह गया था। बाकी जो डस्टिंग वगैरह रह गई थी, बाकी जो मोटा मोटा होता है वो मैंने कर लिया था। और यहाँ पर मतलब जैसे बर्तन वगैरह होते हैं वो मैंने धो दिए थे, है ना, नहाना धोना का हो गया था, खाना वगैरह हो गया था। और शाम के लिए मैं छोले भगो के चली गई थी कि शाम को छोले चावल बनाने हैं। तो बस देखिए, यहाँ पर बेडशीट वगैरह मेरी बिछ गई है। हेलो गाइस, सो गाइस देखिए अभी आई हुई है भाभी जी घर पे और अभी भाभी जी घर पे हैं कि हमने नाश्ता पानी कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास। भाभी बहुत अच्छे सूट सिलवाती है ना, जिनसे सूट सिलवाती है बहुत अच्छे सिलते हैं। तो भाभी कह रही है तो मैंने बड़ी देर से आई हुई है, बातें सुनते हमने सब कर लिया, गप्पे शप्पे मार लिए, चाय पानी हो गया है, चुगलियाँ कर लिया, भाभी कह रही चुगलियाँ कर लिया, तो जो भी है सब कुछ कर लिया। तो अभी हम जा रहे हैं, पेट हल्का हो गया, बस सबको जोड़ी खा के थोड़ा हैवी हो गया, पेट हल्का कर लिया है, जा रहे हैं। एक हफ्ते बाद मिले तो पेट में थोड़ा सा गुड़गुड़ हो रही थी, हम वो हल्का हो गया पेट हल्का हो गया, ऐसी बात नहीं। अभी कचौड़ी कचौड़ी खाई है, फिर भर गया तो फिर निकालो, तो फिर अभी दो चार चुगलियां करेंगे। अभी चलते चलते रास्ते में हम टेलर के पास जा रहे हैं, है ना, तो फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ फिर मिलेंगे, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, कब मिलते हैं, कब मिलते हैं, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं टेलर के पास। भाभी जी से सूट सिलवाती है ना, तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सूट सिलते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी बताओ कैसे सिलवाते हो। एक्चुअली मुझे खुद स्टिचिंग आती है पर मैं इतनी आलसन हूँ ना, फिलहाल कर नहीं रही हूँ। और टेलर अपने कपड़े नहीं सिलता, मोची अपनी चप्पलें नहीं सिलता और डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता, वो हालिस का है। मतलब मेरे को स्टिचिंग आती है पर फिर भी मैं ये नहीं हूँ कि मैं सूट सिलूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई दूसरा देता तो उसके तो जरूर सिल लूंगी, पर अपने नहीं सिले जाते मेरे से, अपने मैं बाहर ही देती हूँ। तू टेलर से सिलवाएगा, मेरे तो सिल देगा। हाँ तो मतलब शुरू में तो मैंने सिले हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने बहुत सारे सिले, अपनी सिस्टर के सिले, आस पड़ोस के भी बहुत सिले हैं, अब मैं सिलती नहीं हूँ, बोरिंग लगता है मुझे कपड़े सिलना। मतलब जो चीज़ आ जाए ना उसके बाद वो बोरिंग लगने लग जाती है, तो मैं सिलती नहीं हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास अपना सूट देने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं वहाँ से आ गई थी टेलर के पास से सूट वगैरह दे के, और आने के बाद मैं जो छोले भिगो के गई थी वो मैंने उबलने रख दिए थे और यहाँ वो उबल गए हैं और मैंने यहाँ मसाला भी जो है रेडी कर दिया। और यहाँ मैं ये दिखा रही थी कि ये छोले राजमा वगैरह बनाऊँ ना, तो ये देखो मेरा कुकर बड़ा ख़राब हो जाता है, गंदा सा हो जाता है, और मैं वही बता रही थी आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कढ़ाई में मैं लगा रही हूँ तड़का, और तड़के का मैंने मसाला जो है वो तैयार कर लिया है और इसको मैं इस चॉपर में काट लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी कढ़ाई देख रहे हो आप, मुझे ना काली है और ये बहुत पुरानी है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की होगी ये कढ़ाई, ये मेरी नहीं है तो मम्मी जी की है, तो वही कढ़ाई है, बहुत पुरानी कढ़ाई है। तो बस यही है, पुराने बर्तन कुछ मैंने संभाल के रख रखे हैं, तो ये वही बर्तन है, इसमें मैं तड़का लगाती हूँ। और ये ठीक नहीं होती है, तो कितना भी मल लो इसको साफ़ कर लो, ये नहीं होती है, तो सिर्फ ये कढ़ाई है जो कि ऐसी है। और यहाँ पर देखिए छोले जो है मेरे बन गए हैं, उबल गए हैं, और इसमें से मैंने मसाला जो भी है अच्छे से भून के मैंने तैयार कर ली। देखिए मेरा कितना सारा मटेरियल बोलती हूँ मैं इसको, मतलब सामान कितना सारा है, अच्छे से मैं डालती हूँ उसमें प्याज टमाटर उधर लहसुन, है ना, काफ़ी मात्रा में डाल के बनाती हूँ, उससे छोले की जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी बनती है। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी ये सारी जो सब्जियाँ हैं ना, ये देखो मैं सब्जियाँ लेके आई थी, ये है भिंडी, घिया, बैंगन, भरवा बैंगन, और ये सब लाई थी, और आज फ्रूट भी इसी के अंदर रख रखे हैं, ये देखो एप्पल वगैरह, ये देखो सब। और सबसे खुशी की खबर कि फ्रिज खराब हो गया हमारा, तेज दिमाग, इतनी सारी सब्जियां भी लेके आ गए, फ्रूट वगैरह सब लेके आ गए, और आते साथ देखा तुम्हारा फ्रिज ही बंद पड़ा है, मतलब हमारा फ्रिज खराब हो गया, तो कल आएगा फ्रिज ठीक करने वाला, तो देखते हैं। कॉल किया है, कल ही आएगा वो। हाँ तो देखते हैं, फिर इंतजार करते हैं अब उसका, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी मेरा खाना बन गया है, और यहाँ पर अभी बर्तन है, ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं, बस अब ये धो लेती हूँ जल्दी से, और खाना तो मेरा बन ही गया है। देखो ये छोले है, अभी इसमें थोड़ा सा बड़क पड़ रहा है, चावल ये देखिए बने हुए हैं,
और ये मैं बाहर ही रखूंगी, फ्रिज में नहीं रखूंगी, है ना। सोच रही थी क्योंकि स्मेल ना हो जाए ना, इनमें स्मेल ना हो जाए, इसलिए मैं इस बास्केट को, जो वेजिटेबल की बास्केट होती है, इसको मैं बाहर ही रखूंगी, फ्रिज के अंदर नहीं रखूंगी। फ्रिज के अंदर ना स्मेल होने लगी क्योंकि वो बंद है ना, और ऊपर से गर्मी है तो महक वगैरह होती है, और मैं ना मलाई वगैरह भी रखती हूँ उसी के अंदर, तो वही सोच रही हूँ क्या करूँ। और शनिवार को मैं छोले चावल बनाती हूँ अधिकतर, वो कहते हैं कलेश कुलूश नहीं होते हैं, जो हमारे पुराने लोग बोलते आए हैं ना, ग्रह कम होते हैं, जो भी ग्रह कलेश होते हैं कहते हैं काले छोले बनाने चाहिए, तो इसलिए बनाए हैं। ग्रह भी कम होते हैं अपनी, क्या कहते हैं, जो ग्रह दोष चल रहा होता है बनता है ना, दिल करता है बस एसी में आगे बैठ जाओ, और ये लोग इतने कंजूस है एसी भी नहीं चला के बैठ। मैंने छोले निकाल के रखे थे, ये देखो जरा बेड का हाल देखो क्या कर रखा है, बेड का हाल। सॉरी क्या इसको वो करो, ये छोले दिए थे मैंने मन्नू को खाने के लिए, खा लेगी, खाई नहीं इसने, मन्नू छोले का। तो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आगे हैं कनाट प्लेस में, और भाभी आ गई थी घर पे, तो कहते कहीं बहुत अच्छा मौसम है, कहीं घूमने चलते हैं। तो गाइज यहीं पर हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, बंगला साहिब गुरुद्वारे, हमारे घर के पास में ही है, तो बंगला साहिब गुरुद्वारे जा रहे हैं हम, और यहाँ पर हम ये रुके हुए हैं, और यहाँ पर ये माला बेचने आए हुए थे, तो ये मेरी हब्बी को जिद कर रही थी कि ले लो ये चमेली की कुछ माला होती है ना, जो मैं क्या 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 खाओगे भाभी? आलू का परांठा। आलू परांठा मेरे लिए, आलू परांठा ले आना आप, तुम्हारे लिए भाभी आलू का परांठा, आलू का परांठा, और आलू का परांठा सौरभ के लिए, आलू का पराठा, राजमा चावल, और एक काम करो तीन प्लेट राजमा चावल और तीन प्लेट परांठे आलू के। हाँ खुला हुआ है, खुला हुआ है, नहीं खुल रहा। तो गाइस हम यहाँ पर आए हैं आलू के पराठे खाने, कनाट प्लेस में, कनाट प्लेस में आए हैं हम आलू के पराठे खाने। ये देखो भाभी बैठी है, भाभी और मैंने तो आलू का पराठा ही मंगवाया ना, बच्चे खाएंगे राजमा चावल, ठीक है। और यहाँ देखो ये लिया था, था। क्या बोलते हैं इसको, गजरा, गजरा, गजरा मोहब्बत वाला, वही वाला क्यों ये लिया है हमने, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाँ ये देखो ये लिया है हमने, ये अभी भाभी पहने ही वही तो खुशबू अच्छी आ रही ना पूरी कार में ना, सब पूरी कार महक गई हमारी इसको लेने से, बहुत अच्छी महक आ रही है। तो सुबह सोमवार है तो हम है ना शिव जी को चढ़ाएंगे हम, हाँ पार्वती जी को गजरा चढ़ाएंगे ये वाला, तो मैंने इसीलिए लिया था। खैर मेरे को तो ये चीजें पसंद नहीं है पहनना फूलना, मैंने तो मजाक में करके लिया। हम सुबह पार्वती माता को, शिव शंकर जी को चढ़ाएंगे, सुबह है। गाइस देखिए आलू के परांठे जो हैं आ गए हैं, ये देखिए इतना बड़ा आलू का परांठा आते हैं, और इसके अंदर आता है मक्खन। गाइस देखो ये आया आलू का परांठा, ये देखो साथ में कड़ी आई है, और भाभी भी आ रहे हैं परांठे खा रही है। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप लोग सब बढ़िया ये देख लो जी ये बनेगी ब्लॉगर, ये इनका नया चैनल खोला है, और ये देख लो क्या बोल रहे हैं, खोलेंगे पागल ब्लॉगर। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम आए हैं गुरुद्वारे में, और ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा, और अरे इधर हो जाओ गाड़ी आ रही है, यहाँ देखिए। तो गाइस चलो आप को लेके चलती हूँ मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा, और यहाँ पर हम आए गुरुद्वारे के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर ये देखो जो भी हमारा जो ग्रंथ साहिब का जो इतिहास था, जो भी हिस्ट्री है, तो उनके बारे में यहाँ लिखा गया था, कैसे हमारे जो गुरु हैं उन्होंने काफ़ी बलिदान किया था, उनका धर्म परिवर्तन जो भी करवाते थे है ना, जो मुगल थे उस वक्त हम राज चलाते थे, तो उस वक्त का जो भी है हिस्ट्री पूरा लिखा हुआ था, तो वो मैं अपने बेटे को कहती कि पढ़ो आप भी थोड़ा जानो, और वैसे तो पता ही है क्योंकि स्टडी में करवाते ही हैं, पढ़ाई में है ना, इनके सिलेबस में है, तो वही हम देख रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर हम पटका पहने आ गए हैं, और यहाँ पर क्योंकि सर कज के ही अंदर जाते हैं गुरुद्वारे में, सबसे पहले हमें सर कजना होता है, मतलब सर ढकना होता है ना, और मंदिर मस्जिद में यही होता है, खाली ऐसे सर पे नहीं जाते हैं, सर को ढक के जाना होता है, तो वही हम गुरुद्वारे में आए थे, तो गुरुद्वारे में सबसे पहले तो पटका ही पहनते हैं, और हम लोग तो दुपट्टा अपना चुन्नी जो होती है वो कर लेते हैं। और यहाँ देखो बच्चों को पहना रहे थे, और बच्चों को कईयों को तो आ नहीं रहा था, मेरी बेटी को तो आ ही नहीं रहा था, उसको मैंने हाथ से पहनाया, और यहाँ मेरी बेटी को तो अपनी ड्रेस के मैचिंग का चाहिए था,
और वो कहती है मेरे को ड्रेस के अकॉर्डिंग ही पहनना है, तो ब्लू है तो ब्लू पहना है उसने, और यहाँ देखो मेरे बेटे ने येलो है तो येलो पहना है, और वो टेढ़ा पहन रहा था तो मैंने कहा ला मैं तेरे को पहनाती हूँ, उसको पहनना नहीं आ रहा था। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैं उसको पहना रही हूँ, और हम तो पता है घर पर जैसे ही बैठे होते ना ऐसे ही बस निकल लिए कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं, घर के पास है ना तो हमें इतना कुछ वो नहीं होता, हम रात को भी निकल लेते हैं, और हम 9 बजे करीब निकले होंगे, 9:30 बजे, और रात को आए हैं हम 1 बजे के करीब घर पर। और यहाँ देखो यहाँ पर भाभी जी है, मैं हूँ, और भाभी वीडियो बना रही थी, एक्चुअली भाभी को वीडियो कम ही बनाने देती क्योंकि उनसे ना कैमरा हिलता है या उनको भी अच्छे से नहीं आती है वीडियो बनानी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम अंदर दरबार साहिब के अंदर जा रहे हैं, और वैसे जो है फ़ोन अलाउड नहीं होता है, बट मैंने कुछ कुछ जो मोमेंट है वो कैच करे थे और वीडियो जो है शूट करी थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ देखो पहले हम हाथ मुँह वगैरह धो रहे हैं जाने से पहले, है ना, अंदर जाने से पहले करते हैं। और सरोवर पे भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि सरोवर पे भी अलाउड नहीं है यहाँ पर वीडियो बनाना। तो यहाँ देखिए हम चनामा वगैरह जो भी है ले रहे हैं, और यहाँ पर कड़ा प्रसाद जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है कड़ा प्रसाद। तो इस वक्त जब हम लेट गए थे इसलिए कड़ा प्रसाद जो है वो नहीं मिला हमें, पंजीरी वाला प्रसाद मिला, और भाभी को भी बहुत पसंद था कड़ा प्रसाद, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो बार बार लेती हूँ कड़ा प्रसाद। तो वही कड़ा प्रसाद का टाइम खत्म हो गया था और उसके बदले हमें मिलती है एक ही ले लेना, तो वही पंजीरी का प्रसाद हमने लिया था, यही घर पे ले जाने के लिए लेना, ले लो कड़ा प्रसाद तो नहीं है, पंजीरी प्रसाद है, कोई बात नहीं, अब कोई नहीं, पर पंजीरी वाला भी सही है, कोई सा भी हो कोई बात नहीं। तो हमने पंजीरी प्रसाद ले लिया था और रियली में पंजीरी प्रसाद भी बहुत अच्छा था यार, देखना गुरुद्वारे ऊपर लगा रखा था शर्ट सी क्योंकि बरसात का सीजन है। और यहाँ पर देखियो यहाँ फोटो शूट हो रहा था सबका, तो मैंने फोटो शूट के बहाने वीडियो बना दी और ये लोग देखो फोटो खिंचवा रहे थे, तो इस फोटो में मैं नहीं आ पाई क्योंकि ये लोग तो खींच नहीं पाते इसलिए मैंने ही खींची है। तो गाइज यहाँ देखिए हम दरबार साहिब के अंदर आ गए हैं, और एक बार आप भी बोल दीजिए कि सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। और यहाँ पर देखिए हमने मत्था टेक लिया है, और मत्था टेकने के बाद हमने यहाँ पर आराम थोड़ी देर बैठा, हमने पाठ सुना क्योंकि बहुत अच्छी वाइब्स आती है यहाँ बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर करने के बाद हम जाएंगे अपने घर। और तो गाइस यहाँ देखो यहाँ बज रहे हैं रात के 1, और हम देखो कितनी सुनसान जगह में आए हैं, देखो गाइस कितनी सुनसान जगह बच्चों को घुमाने आए हैं, इस वक्त हम रात को आ रहे थे और देखो सुनसान, यहाँ पर हमारी गाड़ी आपने बंद हो गई थी अभी, यहाँ देखो कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा दिख रहा है आपको, कितना अंधेरा है इस सड़क पर, बस एक ये बस खड़ी हुई है इसके अंदर शायद कोई है, ये हॉन्टेड प्लेस है, हॉन्टेड प्लेस दिल्ली का हॉन्टेड प्लेस। चला लो ना इतना अंधेरा हो रहा है, डर लग रहा है ना, सेकंड पायल जोन का चैनल है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, हम मिलेंगे कल ब्रेक के बाद, ठीक है, जैसे भी है टिकट करानी होगी फिर पहले करवाएंगे रिजर्वेशन, नहीं हाँ चलो ठीक है, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पर चली गई है भाभी अपने घर के घर में, बाय। तो गाइस ध्यान से जाना, देख रही हूँ मैं तुम्हें उनके घर पे, और चले जाओगे ना, हम जा रहे हैं रात का टाइम भी तो ज्यादा हो गया, बच गया हमारे आज का व्लॉग कैसे लगा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, चलो चलो चलो।